ग्यारहवीं शताब्दी में भारत में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने मात्र भारतीय संस्कृति को सुरक्षित ही नहीं रखा अपितु विदेशियों को ऐसा ताबड़तोड़ उत्तर दिया जिसके बाद भारत की संस्कृति और शक्ति एक बार पुनः विश्व में चमक उठी, जिसके डर से महमूद गजनी जैसा आक्रमणकारी भी उससे नहीं टकराया। विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध होने वाले और जनता से प्यार पाने वाले एक ऐसे परम प्रतापी सम्राट जिसने हिमालय को भी अपने बाहुबल से परिचित करवाया। आइए जानते हैं भारत के महान सम्राट गंगादेव विक्रमादित्य के बारे में। सम्राट गंगादेव 1015 में अपने पिता कोकल द्वितीय के बाद कलचुरी साम्राज्य के सम्राट बने। वह बचपन से ही एक महान योद्धा तो थे ही, परंतु अध्यात्म की तरफ भी उनकी एक रुचि थी। राजा बनते ही उन्होंने अपनी विस्तार नीति को आरंभ कर दिया और अपने आसपास के राजाओं को अपनी शक्ति का परिचय कराया। उन्होंने कल्याणी चालुक्य के राजा जयसिंह द्वितीय को अत्यंत बुरी तरह पराजित किया। प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि गंगादेव ने परमार राजा भोज के ऊपर आक्रमण किया, परंतु वह इस युद्ध में पराजित हो गए। पराजित होने के बाद गंगादेव ने पुनः परमारों के ऊपर आक्रमण किया और उन्हें अत्यंत बुरी तरह पराजित किया। परमारों को पराजित करने के बाद सम्राट गंगादेव की उत्तर भारत में एक अलग प्रतिष्ठा बन चुकी थी। सम्राट ने पूर्वोत्तर के भौमकर साम्राज्य के राजा सुभाकर को पराजित करके कलिंग में अपने विजय को दर्शाते हुए एक स्तंभ को स्थापित किया। कलिंग को जीतने के बाद उन्होंने त्रिकाल लिंगाधिपति की उपाधि धारण की। उत्तर की तरफ हमला करते हुए उन्होंने चंदेलों को पराजित किया। उस समय उत्तर भारत में चंदेलों का एक अलग ही मान और सम्मान था, परंतु गंगादेव से पराजित होने के बाद उनकी प्रतिष्ठा नीचे गिर चुकी थी। इतिहासकार के एम मुंशी के अनुसार चंदेलों ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए शिलालेखों में यह झूठा दावा किया कि गंगादेव उनसे पराजित हो गए थे। उन्होंने प्रयाग वाराणसी के साथ साथ हिमालय के कांगड़ा घाटी को भी जीत लिया था। उनके समय में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। मथुरा के राजा को हराते हुए वह दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, परंतु कभी भी राजा गंगादेव से टक्कर नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि सम्राट गंगादेव से लड़ने का अर्थ है वापस उसका गजनी न लौटना। गंगादेव ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था और अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में उभरे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और अपने राज्य में अनेकों शिव मंदिर बनवाए। इन्होंने माता लक्ष्मी के तस्वीर वाले सिक्के चलवाए। इनका राष्ट्रीय ध्वज गरुड़ था, जो कि इनके वैष्णव और यदुवंशी होने का साफ साफ प्रमाण देता है। यह ज्ञानियों का अत्यंत सम्मान करते थे और बहुत बड़े दानी थे। इनकी मृत्यु प्रयागराज में ध्यान मुद्रा में हुई। मृत्यु के बाद इनकी सौ रानियां सती हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र लक्ष्मीकरण ने इनके कार्यों को आगे बढ़ाए और अपने पिता की तरह ही एक महान योद्धा के रूप में उभरे। पुत्र लक्ष्मीकरण ने भी अपने जीवन में अनेकों दान दिए और अपने नाम कर्ण को चरितार्थ किया। यह भारत के वह सम्राट थे जिन्होंने मात्र भारतीय संस्कृति को सुरक्षित ही नहीं रखा अपितु कई वर्षों बाद विदेशियों को एक बार पुनः यह दिखाया कि भारतीय शक्ति अभी नष्ट नहीं हुई। अभी भी भारत के पास वह महान शक्ति, तेज और बल स्थापित है जो आज से कई वर्षों पहले था।